गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 5 अक्टूबर 2018 और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के करंट अफेयर का। आज के करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बन पाएंगे उनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखें और वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकें। तो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो हाल ही में भारत और किसने भारत के पहले ग्लोबल स्किल पार्क का समर्थन करने के लिए $150 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? देखिए, एडीबी बैंक ने, तो भारत और एडीबी बैंक ने भारत के पहले ग्लोबल स्किल पार्क का समर्थन करने के लिए $150 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो राज्य में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भारत के पहले ग्लोबल स्किल पार्क स्थापित करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं ये। और ये ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ पे खोला गया है, स्थापित किया जाएगा? तो स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे किया जाता है? उत्तर प्रदेश में। और अब बात आइए इसमें एक टर्म देखिए, एडीबी बैंक। तो एडीबी की फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं एडीबी के ताकेहिको नकाओ। कौन है? ताकेहिको नकाओ। तो हाल ही में भारत ने एडीबी बैंक के साथ पहले ग्लोबल स्किल पार्क का समर्थन करने के लिए $150 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं और ये कहाँ पे खोला गया है? ये खोला गया उत्तर प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस बैंक के सीओई ने इस्तीफा दे दिया है? तो हाल ही में आईसीआई बैंक के सीओई चंदा कोचर ने इस्तीफा दे दिया है। तो ये जो इमेज में दिख रही हैं यही थी आईसीआई बैंक की सीओई चंदा कोचर और इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो इनके नए सीओई एमडी एंड सीओई बने नए संदीप बख्शी। कौन बने? संदीप बख्शी। तो ये नए सीओई एंड एमडी बने आईसीआई बैंक के। अब आता है आईसीआईसीआई बैंक की, तो पहले तो इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या है इसकी फुल फॉर्म? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1994 में और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसके नए सीओई एंड एमडी बने संदीप बख्शी और पहले कौन थे? सीओई चंदा कोचर। तो अब नए बन गए संदीप बख्शी। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में राष्ट्रीय खादी महोत्सव 2018 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया मुंबई में। तो हाल ही में राष्ट्रीय खादी महोत्सव 2018 का आयोजित कहाँ आयोजित की गई है? तो ये की गई मुंबई में। खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा राष्ट्रीय खादी महोत्सव 2018 का आयोजन किया जा रहा है। किसके द्वारा आयोजन किया गया है? खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा ये महोत्सव आयोजित किया जा रहा है और कहाँ किया जा रहा है? ये मुंबई में। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है हमारे वर्तमान एमएसएमई मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। अब एमएसएमई आई है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी होती है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। मंत्री ने किया है, गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कुटीर उद्योगों के उत्पादों को बढ़ावा देना और राज्यों की कला के बारे में जागरूकता पैदा करना है। तो इसका उद्देश्य है कुटीर उद्योगों के उत्पादों को बढ़ावा देने और राज्यों की कला के बारे में जागरूकता पैदा करना, इसका उद्देश्य है। अब एक और टर्म आई थी खादी और ग्राम उद्योग आयोग, जिसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जिसके वर्तमान अध्यक्ष हैं विनय कुमार सक्सेना। कौन है? विनय कुमार सक्सेना है खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
यही है गिरिराज सिंह, वर्तमान एमएसएमई मंत्री। तो हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 द्वारा की गई रैंकिंग के अनुसार किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में स्थान दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं हरियाणा को। तो हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 द्वारा की गई रैंकिंग के अनुसार हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में स्थान दिए गए हैं। और ये राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। और ये पुरस्कार किसने दिए गए हैं? तो ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में दिए गए हैं ये पुरस्कार। इसकी घोषणा किसने की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में। तो सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे स्थान दिए गए हैं? ये दिए गए हरियाणा को। तो हरियाणा है पहले नंबर पे, दूसरे पे गुजरात और तीसरे पे महाराष्ट्र। कौन है तीसरे पे? महाराष्ट्र। और इसके अंदर ही सर्वश्रेष्ठ जिले के रूप में स्थान दिए गए हैं। तो सर्वश्रेष्ठ जिले के रूप में फर्स्ट पे कौन है? सतारा डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का। तो फर्स्ट पे कौन है? सतारा डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का। और दूसरे पे रेवारी डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का। तीसरे पे पेड़ापल्ली तेलंगाना का डिस्ट्रिक्ट है। तो इनको दिया गया है सर्वश्रेष्ठ जिले के रूप में है सतारा, और सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में कौन है? हरियाणा। तो अब सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में हरियाणा। तो ये रहा मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ और किसकी कैपिटल है? पंजाब की। और हरियाणा के वर्तमान सीएम है मनोहर लाल खट्टर, और हरियाणा के वर्तमान गवर्नर है, अभी हाल ही में चेंज हुए थे, इनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में विश्व पशु दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 4 अक्टूबर को। तो हाल ही में विश्व पशु दिवस मनाया गया है 4 अक्टूबर को। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो ये दुनिया भर में जानवरों की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए दुनिया के विभिन्न हिस्सों में हर साल 4 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पशु दिवस। अब ये प्रथम बार कब मनाया गया है? तो ये जर्मनी के बर्लिन में 24 मार्च 1925 को। कब? 24 मार्च 1925 को पहला पशु दिवस आयोजित किया गया था। और ये किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ये किया था एक व्यक्ति थे हेनरिक जी मर्मन। कौन थे? हेनरिक जी मर्मन। कौन थे? हेनरिक जी मर्मन। तो इसके द्वारा ही आयोजित किया गया था पहला विश्व पशु दिवस। तो हाल ही में विश्व पशु दिवस को मनाया गया, पशु दिवस मनाया गया 4 अक्टूबर 2018 को। तो 4 अक्टूबर को मनाया गया, इसमें ऑप्शन दे रखा है, एक ऑप्शन दे रखा है 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय औरत दिवस, 2 अक्टूबर को मनाया गया था अहिंसा दिवस जो कि महात्मा गांधी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आए? तो ये आए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। कौन आए? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आए हैं। अब ये आए रूस के राष्ट्रपति, तो मैप में देख ये इमेज में दिख रहे हैं, यही है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो कि भारत के 2 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। और जो रूस जो मैप में दिख रहा है यही रूस। रूस की कैपिटल है मॉस्को। रूस की करेंसी है रशियन रूबल। और इसकी रूस के वर्तमान प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, और इसके वर्तमान प्राइम मिनिस्टर है रूस के दमित्री मेदवेदेव। कौन है? दमित्री मेदवेदेव। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रूस से, रूस की संसद का क्या नाम है? तो रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। और विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान भी रूस के अंदर ही है बर्कोयास। कहाँ पे? बर्कोयास रूस में ही है सर्वाधिक ठंडा स्थान विश्व का। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किसे UNEP चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रोन को, दोनों को सम्मानित किया गया है UNEP चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है। अब एक टर्म आइए UNEP, तो UNEP की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। क्या होती है?
यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। तो हाल ही में किसको सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रोन को। नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी और फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर इमैनुअल मैक्रोन को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरणीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यूएनईपी से, चैंपियन ऑफ द अर्थ से। और इस पुरस्कार की घोषणा न्यूयॉर्क में 73वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान घोषित की गई थी। 73वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान घोषित की गई थी न्यूयॉर्क में। और ये पुरस्कार एंटोनियो गुटेरेस, जो कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव प्रमुख हैं, तो इसके द्वारा प्रस्तुत किए गए एंटोनियो गुटेरेस द्वारा। और ये किसके लिए दिए गए हैं? तो ये दिया है पीएम मोदी को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का समर्थन करने के लिए दिया गया है ये पुरस्कार। अब इसमें एक टर्म आई, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आईएसए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में पेरिस में भाषण के दौरान इसकी घोषणा की थी आईएसए की। तो 2015 में पेरिस में इसकी स्थापना की गई थी मोदी द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पेरिस में भाषण के तहत। अब ये आईएसए होता क्या है? तो जो अपनी कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और मकर रेखा होती है 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, तो उसके बीच में जो भी कंट्री होती है तो उनमें सूर्य का प्रकाश ज़्यादा पड़ता है। तो उनमें सूर्य जो सोलर एनर्जी है, तो उसके लिए सोलर एनर्जी जनरेट करने के लिए एक गठबंधन बनाए गए हैं उन देशों का, उन कंट्रीज़ का, उसे बोला गया है आईएसए। तो ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी जनरेट हो उसके, जो कि पर्यावरण के लिए सही है। तो यही है आईएसए। तो हाल ही में यूएनईपी चैंपियन ऑफ द अर्थ से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रोन को। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? तो ये किए माइकल जेदिनाक और इगोर अकिनफ्यू ने। तो दोनों ने किए अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से सेवानिवृत्ति की घोषणा। अब ये माइकल जेदिनाक है, ये है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, फुटबॉल खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया के। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 79 मैच खेले हैं। और जो ऑप्शन बी में देखा है इगोर अकिनफ्यू, ये रूस के गोलकीपर हैं। और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 112 मैच खेले हैं। तो इन दोनों ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में अपने डेब्यू टेस्ट में शतक लगाने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बने? ये बने पृथ्वी शो। तो इन्होंने अभी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेले गए गुजरात के राजकोट में खेले गए मैच में डेब्यू टेस्ट में शतक लगाकर सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी बन गए पृथ्वी शो। और तो इनकी 18 वर्ष 329 दिन की आयु में डेब्यू टेस्ट में शतक लगाए, तो 18 वर्ष 329 दिन की आयु में। और ये डेब्यू शतक लगाकर भारत के पहले युवा, सबसे युवा भारतीय बन गए हैं पृथ्वी शो। अभी पृथ्वी शो ने फरवरी 2018 में खेले गए अंडर 19 विश्व कप में भारत का नेतृत्व किया था और भारत को विश्व कप जिताया था। अंडर 19 विश्व कप फरवरी में खेला गया था 2018 में, तो इसमें जिताया था पृथ्वी शो ने, नेतृत्व किया था भारतीय टीम का। तो इस क्वेश्चन से इतनी जो इमेज में दिख रहे हैं ये पृथ्वी शो, तो इन्होंने डेब्यू टेस्ट में शतक लगाकर सबसे कम उम्र के भारतीय बने। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में NMCG ने मिशन गंगे लॉन्च करने के लिए किसके साथ भागीदारी की है? ये भागीदारी की है TSAF के साथ। किसके साथ की है? TSAF के साथ। अब ये एक टर्म आई है TSAF, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन। क्या होती है? टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन। और एक और टर्म है NMCG, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। क्या है? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। तो अब इसमें होगा क्या? इसमें 40 सदस्यों की एक टीम 1 महीने का राफ्टिंग अभियान शुरू करेगी। तो इसमें 40 सदस्यों की एक टीम 1 महीने का राफ्टिंग अभियान शुरू करेगी।
और इसका नेतृत्व कौन करेंगे, बछेंद्री पाल, जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल। और यह अभियान 5 अक्टूबर को हरिद्वार से शुरू होगा और बिहार के पटना में समाप्त होगा। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2018 के अनुसार भारतीय अमीर लोगों में शीर्ष पर कौन रहा है, तो शीर्ष पर रहे मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी लगातार 11वें साल के लिए सबसे अमीर भारतीय के रूप में उभरे हैं। तो लगातार 11वें साल के लिए सबसे अमीर भारतीय बने मुकेश अंबानी। इनकी कुल संपत्ति है 47.3 अरब अमेरिकी डॉलर। कितने? 47.3 अमेरिकी डॉलर। और ये वर्तमान में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन है मुकेश अंबानी। और यही है सबसे अमीर भारतीय फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2018 के अनुसार। और दूसरे पर है अजीज प्रेम जी, ये विप्रो के चेयरमैन और इनकी संपत्ति 2 अरब अमेरिकी डॉलर। और तीसरे पर हैं लक्ष्मी मित्तल और ये वर्तमान में आरमेलर मित्तल के चेयरमैन हैं और सीओई है लक्ष्मी मित्तल। इनकी संपत्ति 18.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो ये रहे तीसरे पे और ये सेकंड पे और ये फर्स्ट पे। फर्स्ट पे मुकेश अंबानी रहे, थर्ड पे सेकंड पे अजीज प्रेम जी और थर्ड पे लक्ष्मी मित्तल। तो मुकेश अंबानी लगातार 11 साल के लिए सबसे अमीर भारतीय बने हैं। अब इसमें एक टर्म आई है फोर्ब्स, तो ये अमेरिका की मैगजीन है जो अलग अलग तरह की लिस्ट जारी करती हैं फोर्ब्स। और फोर्ब्स का ये एक मैगजीन है जो अलग अलग प्रकार की लिस्ट जारी करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1917 में। फोर्ब्स की स्थापना कब हुई थी? 1917 में। ये एक अमेरिका की मैगजीन है फोर्ब्स और ये इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और फोर्ब्स की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी पीसी फोर्ब्स ने। किसने की थी? पीसी फोर्ब्स ने। फोर्ब्स, पीसी फोर्ब्स ने इसकी स्थापना की थी। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यही है मुकेश अंबानी जो इमेज में दिख रहे हैं, यही है सबसे अमीर भारतीय 11वीं बार। हाल ही में यूपीआई भुगतान में 33% से अधिक बाजार है, हिस्सेदारी के साथ शीर्ष पर कौन रहा है? तो ये रहा है पेटीएम। तो हाल ही में यूपीआई भुगतान में 33% से अधिक बाजार हिस्सेदारी के साथ शीर्ष पर रहा है पेटीएम। अब इसमें एक क्रमाई है यूपीआई, तो यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होती है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब बात आई है पेटीएम की, तो पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? पेटीएम की स्थापना हुई थी 2010 में और इसका हेडक्वार्टर है नोएडा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है? हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में। और इसके संस्थापक कौन है? विजय शेखर शर्मा और सीओई रेणु सती। इसके संस्थापक कौन है? विजय शेखर शर्मा। और पेटीएम की पेरेंट कंपनी कौन है? तो इसकी पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन। क्या है? 197 कम्युनिकेशन इसकी पेरेंट कंपनी है। 197 इसकी पेरेंट कंपनी है पेटीएम की। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हाल ही में किस देश में भारतीय दूतावास, लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है हाल ही में किस देश में भारतीय दूतावास में आयुष सूचना कक्ष स्थापित किया गया है? तो ये किया गया था रोमानिया में भारतीय दूतावास में आयुष सूचना कक्ष। और आज की वीडियो का क्वेश्चन है हाल ही में भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इसका क्वेश्चन करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। लास्ट वीडियो की लिंक इस क्वेश्चन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई दी गई है, तो उसको नहीं देखा हो लास्ट वीडियो को तो इससे जाके देख लें। ये वीडियो आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी होगी।
और आने वाले एग्ज़ाम में इन्हीं में से करंट अफेयर के क्वेश्चन आप पाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।